सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो गाइस, आप सबको पहले की बात पता ही होगी व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? देखो, अगर कोई इक्वल चार्ज, देखो माइनस क्यू और दूसरा वाला क्या प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू वे, तो सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। जैसे देखो यहां से आता है डिस्टेंस ए, यहां से आता है डिस्टेंस ए। अब मैंने क्या कंसीडर किया, ये वैक्यूम में पड़े हुए हैं और इनके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट पी पर मुझको निकाल लिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। निकालना स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आप सबको पता है, इसमें पढ़ा रहा हूं कि हम कैसे करते हैं। अगर हम इस पॉइंट पर निकाले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक भोले को हम यहाँ बिठा देंगे, भोले से बच्चे को यहाँ पर, वो लोग ही बैठ गए भोला सा बच्चा। अभी भोला कहेगा कि भाई नेगेटिव चार्ज मेरे पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मार रहा है, मैं तो एक यूनिट पॉजिटिव के चार्ज की तरह काम करता हूँ, नेगेटिव और मैं पॉजिटिव, मुझे फोर्स अट्रैक्शन कैसे मिलेगा, अट्रैक्टिव मिलेगा इस तरह। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू ई की वजह से इस तरह। बहुत ही बढ़िया बात। अभी प्लस क्यू ई इस पर क्या मारेगा, देखो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बोलेगा भाई दूर हट जा, मेरे पॉजिटिव बोलते चुपक जाओ, तू इससे दूर रह। तो इसको कैसे मारेगा, इस तरह रिपल्सिव, तो क्या होगा ई प्लस क्यू की वजह से। बहुत ही बढ़िया बात। अब हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने इस पॉइंट पे, निकालते हैं भाई बहुत आसान। तो चलो देखो गाइस, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर डिटेल बता रहा हूं, पर फालतू बात होती है। जैसे कि आप क्या लिखेंगे, कंसीडर एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लेस इट इन अ प्लेस इन वैक्यूम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, एंड लेट्स सपोज वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p व्हिच इज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट। बस ये लिख रहा हूं, इंग्लिश में तो लिखते हैं अभी। अब देखो काम की बात, देखिए नाम की बात नहीं, काम की बात। देखो सबसे पहले निकालना व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू एट पॉइंट पी, वो किसके बराबर है कि देखने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू। फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, के बाय आर स्क्वायर। अब ये देखो डिस्टेंस कितना है यहां से इधर तक, ये डिस्टेंस कितना है, पहले लिखते हैं के क्यू, नेगेटिव क्यू में लगाया है नेगेटिव क्यू बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो समझ रहे हो, ये समझने की बात है। ये डिस्टेंस है आर, आर में ए प्लस कर दो, तो यहां से आता डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस ए, यहां लिखा मैंने आर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि ए क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। अब वेक्टर है, डायरेक्शन निकाल दो, जी लगा दे पी कैप लगा दिया मैंने, और जो डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी देखो लेफ्ट साइड की तरफ, तो मैंने लिखा ये क्या होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, डन हो गई। अब अगली वाली बात आपकी आती है इलेक्ट्रिक, देखो ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी निकालना है। देखो ये क्या होगी, ई प्लस क्यू के लिए क्या निकल कर आएगी, वही के क्यू आर स्क्वायर, निकालो के के क्यू क्या है, क्यू है इसमें पॉजिटिव, क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें आर कैसे देखोगे, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऐसा ना करो, इस पूरे आर में ये जो पूरा आर है इसमें ये डिस्टेंस माइनस कर दो, कौन से डिस्टेंस से, ए डिस्टेंस माइनस कर दो, तो टोटल क्या आएगा आर माइनस ए, तो ये डिस्टेंस बन गया, लिखा मैंने आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी लगाया अपन पी के, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी टुवर्ड्स राइट, देख लो इस तरफ जा रही है राइट। अब आपको निकालना ई नेट, अब ई नेट कैसे निकलेगा कि भाई इसको और इसको प्लस कर दो, जब भी बोलता हूं प्लस कर दो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर प्लस थोड़ी ना करूंगा मैं, ये तो सबट्रैक्ट हो गए, भाई तू प्लस लिख, वो हो ऑप्शन सबट्रैक्ट ही रहेगा, तो लिखते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं इसका ई नेट, आई थिंक मैं समझ लेगा, समझ अब निकालते हैं। देखो एक मेरे पास ये आई है और एक वैल्यू मेरे पास ये, अब E net कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकल कर आ रही होगी पॉइंट P पर, वो कैसे निकालेंगे, वो क्या होगी E माइनस Q वाले वेक्टर को प्लस कर दे मेरे दोस्त, E प्लस Q वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, कर देता हूं भाई, माइनस Q वाली क्या थी, माइनस A Q अपॉन में R प्लस A का स्क्वायर, ये वाली क्या थी प्लस ये वाली K Q डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। गाइस अगर हम यहां पर कंसीडर भी करोगे, देखना चाहोगे तो क्या होगा, देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा, क्योंकि r पे कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका ये वैल्यू बड़ी होगी, देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा था वैल्यू बड़ी होती है, इसका डिनोमिनेटर छोटा था यानी ये प्लस वाली चीज बड़ी होगी, और यहां पर इसका डिनोमिनेटर में r में कुछ प्लस हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो ये वैल्यू छोटी होगी, इसका मतलब ये छोटी है, मतलब कि इधर आने वाली वैल्यू कम होगी, उधर जाने वाली ज्यादा होगी,
तो आप खुद ही सोचिए रेवेन्यू डायरेक्शन किधर होगी, उस तरफ भी होगी क्योंकि ये ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर क्या था छोटा, छोटा डिनोमिनेटर था, इस तरफ भी जानी होगी, इसका क्या है बड़ा, तो मैं ई नेट लिखता हूँ इसके बराबर। सब चीजें कुछ कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन ले लो, ए को कॉमन ले लो, क्यू को कॉमन ले लो, ये दोनों को कॉमन, इसको कॉमन लिया, इसको कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया आपका -1 r + a का स्क्वायर, r + a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r - a का स्क्वायर, ये देखिए r - a का स्क्वायर, ठीक है, डन हो गया यहां तक। आप देखिए अब आप क्या करेंगे, आइए अभी नीचे यहां पर दिखेगा नहीं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, पता थोड़ा सा भी हम लोग को दिए यार, प्यारा सा पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, चलो देखो ये बचाता नहीं वाली है, ये वाली पे कुछ आप देखो सॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी एक्सियल पर आने वाली है किसके बराबर आने वाली है, k q आपने भाग लिया हुआ है, अब देखो एलसीएम लो, इसको इधर भेजो, इसको इधर, तो ये क्या आएगा r माइनस a का स्क्वायर, और देखो इधर माइनस साइन है, अच्छे से भाई माइनस का साइन प्लस, ये इधर जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे डब्बा। गाइस देखो a प्लस b a माइनस b, अगर ये फॉर्मूला होता a प्लस b और a माइनस b, तो हम इसको क्या लिख देते हैं सीधा, हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन भाई यहां पर क्या है इनका भी स्क्वायर हो रखा हो, तो आप क्या करोगे इन पूरे का भी आप स्क्वायर, ठीक है, आई होप यू गॉट इट, तो मैं इसको भी ऐसे लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा इसका मैं r माइनस a, इनका स्क्वायर आया और इस कंप्लीट का भी स्क्वायर, ओके इसमें यहां से रख दिया। अब देखिए अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे अगला स्टेप क्या होगा, अब इसको खोलो, ये क्या निकल कर आएगा माइनस, वहां लगा हुआ है r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अभी क्या निकल कर आ रहा होगा, अभी निकल कर आएगा सिंपली आपका, देखो ब्रैकेट खोलेगा तो क्या होगा, देखो ये नेगेटिव ब्रैकेट खोला ये पॉजिटिव है, अब ये क्या हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, देखो स्टेप को मैंने समझाने की करा रहा है आपको, ये किसी मान तो पॉजिटिव है, साइन चेंज कुछ होंगे नहीं, इनको टाइप सब सेम का सेम, अब देखो क्या होगा माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2RA 2RA, तो सिंपल क्या हो जाएगा 4RA, तो बाहर ओहो मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरी जान बाहर k क्यूब भी तो था, बाहर k क्यूब भी तो था कटे के बाद वही था, तो क्या बन रहा k क्यूब मित्र मेरा बाहर, इसको मैं कम याद कर रहा था अभी की, और उधर से क्या आया 4AR डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, चलो की बात आप क्या करें, देखो आपको पता है डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, शायद ये पार्ट ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रब कर दूंगा अभी ध्यान के अंदर, रब कर दूंगा ऊपर का ना दिख रहा हो, तो पी किसके बराबर होता है q into my 2a के बराबर, डाल तो मैं तो यहाँ पर देखिए किसके बराबर आता है ये टर्म, ये टर्म को आप देखो k गया बाहर q गया बाहर, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 into 2, तो देखो मैं लिखता हूँ इसको यहाँ लिखा है 2 dot a = 2, अब आप देखो कैसा है, देखो मुझे बनाना है q 2a की फॉर्म, देखो q 2a इसको भाग लीजिए, इसको मैं भी लिख सकता हूं आपसे लिख दूंगा भी, तो मैंने लिखा इसको हटाया सब कोई हटा दिया k p और ये क्या है 2r या 2r लिख दिया, ये 2 आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा आपका दिमाग अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहां लगा दो तो ये नीचे r स्क्वायर माइनस e स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हट जाए दोस्तों, ये आंसर बड़ा बोलते सर ये तो आंसर होता ही नहीं है, आंसर बिल्कुल नहीं होता, हम क्या बोलते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल हम बोलते हैं डाइपोल शॉर्ट हो, मतलब कि ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम हो, लेकिन जहां पर एक्सिस निकाल रहे हो बहुत दूर हो, तो हम बोलते हैं इतना छोटा डिस्टेंस था थोड़ा इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, जो डिस्टेंस होता है बीच का ये वाला ये ए ए और बाहर वाला यहां से डिस्टेंस होता है r, हम बोलेंगे r बहुत बड़ा है, हम तो बोलेंगे r इतना बड़ा है कि आप a के सामने कुछ है ही नहीं, तो नेग्लेक्ट कर दो ये को, नेग्लेक्टिंग a, जब a को नेग्लेक्ट करोगे तो फॉर्म क्या बनेगा, ये वाली फॉर्म, ये क्या बनती रहेगी, ये वाली फॉर्म क्या बनेगी 2 k p r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर
ये तो अपने हटाई दिया, नेगलेक्ट ही कर दिया वाला, एक ही हटी गया, इसके बाहर क्या आ गया स्क्वायर, और देखो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो उसको बाहर लिख दिया मैंने 4, अच्छा ये चेंज हो रहा था 4, और देखो इसकी ये कट और यहां पर आ जाएगा 3, क्योंकि पावर की पावर कटेगी, तो आपने देखा कि एक्सियल किसके बराबर आता है, वो आता है किसके बराबर, किसके बराबर नीचे लिख देंगे, वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा शांति शांति लिखने के लिए ई एक्सियल बराबर आता है 2kp/r³। इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखो 2kp/r³ याद रखो मेरे फ्रेंड है कृष्णा वर्मा, तो फ्रेंड है बहुत अच्छा, अच्छा कोई भी देखेगा लाइक करेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है kp, kp का मतलब क्या है देखो 2kp/r³, याद रखो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है किसी पॉइंट पर 2 और 2 क्यों बोल रहा हूं kq/r², लेकिन इसके लिए डायपोल के लिए क्या है 2kp/r³, मतलब कि ये अगर ये इसको कोई मास घुमाता है तो उसे दूर कर देता है, तो फिर भी देखो कितना ये तो ये तो ये एक्सियल आती है किसकी यूनिवर्सल प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, किसकी यूनिवर्सल प्रोपोर्शन आ रही है 1/r³ के, क्यूब है 3rd डिग्री है, मतलब डिग्री देखो 3 है, तो और कम हो जाएगा, ठीक, आई होप यू लाइक इट, और देखो एक बात और समझ रहा कि डाइपोल रिडक्शन में क्या बोली थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या है यहां से पॉजिटिव, इसी तरह तो भाग में मैंने बोला था ना ये वैल्यू बड़ी होती है ये वैल्यू छोटी होती है, तो ये भी सर्व आ रहा है, इसी वजह से डाइपोल में यहां पर मैंने पॉजिटिव साइन रखा हुआ है कि अपने आप ही निकल रहा है, तो ये सर्व आ रहा है। देखो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पूरी समझ आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, घूम मत जाना, सब कुछ करना, साइन ओवर करना, तुमको पता है करना है तो करना ही है, तो सपोर्ट मिलेगा तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, नमस्कार, बाय बाय।